इसमें देखा जाता है आप इसमें चावल भी उबाल सकते हो। हाँ, लोग उबालते हैं इसमें चावल, उबालते हैं इसमें एग, उबालते हैं एग, उबाल सकते हैं। सफेद सफेद ये मिट्टी से साइड की जो देख रहे हैं इसको मुल्तानी मिट्टी कहा जाता है। काफ़ी आप लोगों ने इसको यूज़ भी करा होगा शायद कभी। दोबारा से कंटिन्यूशन में था, दोबारा टूटा, दोबारा से इसको डिज़ाइन करा गया, दोबारा एकदम सीरियस होके देख रहे हैं। तो फुल ऑन बारिश वाला मौसम और अभी हम जा रहे हैं तपोवन वैली। तो यहाँ से आगे की जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो हमारे यहाँ के डीएम एक्सपर्ट रोहित पंत देंगे। तो रोहित पंत, आप क्या बताना चाहोगे यहाँ के बारे में? यस ब्रो, तो अभी यहाँ से जो सामने का नज़ारा आ रहा है, अभी सामने फ्रंट में फ्रंट व्यू, तो ये है हमारा बड़ा गाँव। इसको बड़ा गाँव इसीलिए बोलते हैं, अगर आप थोड़ा सा ऊपर जाएंगे, हाइट पर जाएंगे, तो वहाँ से पूरा वैली का नज़ारा दिखता है। मतलब गाँव बहुत बड़ा है, इसीलिए इसी का नाम बड़ा गाँव है। तो यहाँ से अपनी तपोवन वैली की जर्नी रहती है 5 से 7 किलोमीटर की। उसके बाद में हम तपोवन वैली पहुँचेंगे। तपोवन वैली में हमारी माँ भगवती के हम दिव्य दर्शन करेंगे। आजकल हमारी माँ भगवती बाहर आ रखी है। बहुत अच्छा नृत्य होता है हमारे गांव में, डोली नाचती है, तो वो भी है, सारे नज़ारे आज आपको हम दिखाएंगे। तो अपनी जर्नी कंटिन्यू करते हुए तपोवन वैली के लिए। अच्छा, तो आप, हम आपको मिलते हैं तपोवन वैली में। तो गाइज, अभी हम यहाँ पे पहुँच चुके हैं अपने गर्म पानी सलदार, हमारी लोकल की लैंग्वेज में से सलदार कहते हैं, और टूरिस्टिक लैंग्वेज में इसको हॉट स्प्रिंग कहते हैं। तो ये हॉट स्प्रिंग कैसा है वो मैं आपको दिखाता हूँ, और कुछ ऐसी चीज़ें मैं आपको अंदर इसके बारे में बताऊँगा। ये जो हमारी जगह है, बेसिकली इसको हम सलदार बोलते हैं, तपोवन। तो यहाँ पे आप पानी देखोगे ना, तो पानी यहाँ पे नेचुरली खौलता है, उबलता भी नहीं है, खौलता है। तो आप इसको देखो कितना पानी यहाँ पे खौल रहा है, और ये नेचुरल है। ये खौल क्यों रहा है? क्योंकि इसके अंदर सल्फर की मात्रा काफ़ी ज़्यादा है। तो पानी में जब सल्फर की मात्रा मिल जाती है तो उसका बॉइलिंग पॉइंट काफ़ी हाई हो जाता है, तो इसीलिए। और हमने, मतलब मेरा जन्म यहीं का है, बॉटम में यहीं का हूँ, तो बचपन से हमने इसको ऐसा ही देखा, कोई चेंज अभी इसमें है नहीं। सेकेंडली, एक और बहुत अच्छी इन्फॉर्मेटिव चीज़ यहाँ पर ये है कि ये जो आप सफ़ेद सफ़ेद ये मिट्टी से साइड की जो देख रहे हैं, इसको मुल्तानी मिट्टी कहा जाता है। काफ़ी आप लोगों ने इसको यूज़ भी करा होगा शायद कभी। तो ये जो ये फेस पैक जो चेहरे पे लगाते हैं, इसका जो कॉन्सेप्ट ड्राइव हुआ, वो कॉन्सेप्ट इसी मुल्तानी मिट्टी से हुआ। तो ये सबसे ज़्यादा प्योर और नेचुरल मुल्तानी मिट्टी है। अमेजोन फ्लिपकार्ट पे आप देखोगे तो काफ़ी हैवी रेट्स में आपको परचेज। अपने तपोवन कुंड में यहाँ पे मज़े लेते हुए वैलियों का, और अंकुश ब्रो एक बार वैली दिखाओ यहाँ पे, और आपको कैसा लग रहा है? तो भाई यहाँ आ गए ना, मतलब जैसे बोलते हैं जन्नत में आ गए वाली फीलिंग आ रही है। और अभी जितने भी हमारे रोहित भाई ने इन्फॉर्मेशन दी वो आप देख सकते हो, आप गूगल भी कर सकते हो, आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पे क्या है और कैसा है। बाकी वैली तो भाई बहुत गजब है, और वैसे टूरिज़्म में देखा जाए तो यहाँ पे काफ़ी लोग आते हैं हर वीक, हर महीने, हर ईयर जब भी यात्रा चलती है तो काफ़ी लोग यहाँ पे भीड़ आती है। आप इसमें देखा जाए तो आप इसमें चावल भी उबाल सकते हो। हाँ, लोग उबालते हैं इसमें चावल, उबालते हैं इसमें एग, उबालते हैं एग, उबाल सकते हैं, क्योंकि ये पानी बहुत गर्म है। और इसमें भाई हम हाथ तो बिल्कुल भी नहीं डाल सकते, हाथ जल जाएगा भाई, हाथ जल जाएगा। इसका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, आप भाप देख लो कितनी ज़्यादा भाप आ रही है, बहुत ज़्यादा गर्म है। तो थोड़ा दूर रहे तो ज़्यादा ही अच्छा है। और किसी को भी यहाँ पे आना है तो हम उसको लोकेशन पिन कर देंगे अपना गूगल मैप से, तो अगर किसी को आना है तो आप यहाँ पे आ सकते हैं आराम से। तो अंकुश भाई, अभी जब हम जहाँ पे खड़े हैं ना, तो
आपको आपने यार एक सुना होगा कि बीच में यहाँ पे आपदा आई थी 2021 में, 7 फरवरी 2021 डेट था जो तपोवन वैली में आपदा आई थी। तो आपने एक वीडियो देखा होगा जो वीडियो काफी वायरल हुआ था ना कि ऊपर से लोग भाग रहे, इधर से भी पानी उधर से भी पानी, वो यही वाला जगह है वो जहाँ पे आपदा आई थी। और लोग जो मंजर उस टाइम पे था कि कोई इधर से भाग रहा है कोई उधर से भाग रहा है, पर जाने का कोई रास्ता नहीं, कहा था आपने सुनी भी होगी कि आगे कुआं पीछे खाई, तो वहाँ पे वो इतना दर्दनाक मंजर था। और आज ठीक मतलब 2 साल के बाद में आप देखिए प्रोजेक्ट दोबारा से कंटिन्यूशन में था, दोबारा टूटा, दोबारा से इसको डिज़ाइन करा गया, दोबारा से बन रहा है अभी।